की हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर शंभु, 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 हर हर शंभु। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप सभी को जय बाबा मुक्तेश्वर धाम। क्योंकि मैं इस समय मुक्तेश्वर धाम में हूँ और मुक्तेश्वर धाम का एक अपना ही इतिहास है। ये कहते हैं कि ये गुफा जो है वो पांडवों द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। जब पांडवों को वनवास हुआ तो उस समय जब पांडव अपने वनवास कार्य में रहे तो उन्होंने कई जगहों पर ऐसे धाम की जो है निर्माण जो है वो किया और ये उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं, यहाँ के जो पुजारी हैं, इनसे जानते हैं कि क्या आखिर क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और इस गुफा के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में जानना चाहूंगा। मूल शंकर भगवान की जय। इसका नाम है मुक्तेश्वर धाम और इस नदी का नाम है रावी नदी। ये शिव जी के चरणों से मणि मेह से आती है और यहाँ से पाकिस्तान में जाती है। आज से 5,500 साल पहले द्वापर युग में 5 पांडव यहाँ आए थे। जैसे सभी जगह जाते ऐसे यहाँ भी आए थे। उन्होंने 5 गुफाओं का निर्माण किया था। पहली गुफा ये है जहाँ हम बैठे हैं, आप बैठे हैं। ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज की गद्दी है, उनका धुना है। इसमें माचिस तूली नहीं लगाई जाती, अखंड धुना है। लकड़ी लगाओ तो अपने आप जल जाती है, आग हमेशा रहती है। ये उनकी गद्दी है। यहाँ पर उन्होंने जप तप किया, तपस्या की, भगवान शिव जी से वरदान लिया जित प्राप्ति का। और ये सामने मेरे पीछे द्रौपदी माता की रसोई है जहाँ तो अभी चलो फिलहाल हम लोग ही चाय पानी बनाते हैं, एमरजेंसी में काम चल रहा है। सामने मंदिर है, ये जो शिवलिंग है उन्हीं के हाथों का है। ये जो सामने नवटिके लगे हैं, नवदुर्गे हैं, नंदी महाराज जी हैं, भैरव जी हैं, कमला मैया, ये सब पांडव द्वारा है। किसी ने कुछ नहीं किया, जो भी काम हुआ बाहर हुआ। आप पहले अंदर जाओ, भगवान के दर्शन करो, फिर आओ सामने चल जाओ अंदर। हाँ, इसके साथ आप बाहर निकलोगे तो 2 गुफा और हैं। गेट के साथ आप जाओगे तो वहीं हैं, 1-2-3 पौड़ियाँ चढ़ के जाना ऊपर, तो वहाँ पर है ध्यान कक्ष। ध्यान कक्ष के अंदर आप जाओगे तो वहाँ छत में देखना, छत में जो है श्री यंत्र बना हुआ है, लक्ष्मी माता का यंत्र। वहाँ उसके नीचे ध्यान लगाने से करोड़ों गुणों की फल की प्राप्ति होती है, वो है भीमसेन की गुफा। और 2-3 पौड़ियाँ और चढ़ोगे ऊपर तो एक गुफा और आती है, वो अर्जुन गुफा है। उसके अंदर अर्जुन भगवान जी बैठ के तपस्या किया करते थे। उसमें छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग की वो पूजा करते थे। और 2 गुफा जो थी इस पहाड़ के पीछे साथ में रणजीत सागर डैम के मलबे में दबी हुई है। जब रणजीत सागर डैम का काम चला तो डैम खत्म होते होते मलबा बहुत पड़ा था, उसमें दबी हुई है। और बाकी यहाँ पर जैसे हर जगह कोई महत्व होता है, महानता होती है, यहाँ की महानता है कि यहाँ अस्थियों पर छोड़ जाती हैं, पिंडदान किए जाते हैं, गौ हत्यान किया जाता है, आदर हर समय संक्रांति मत्स्य पर पूजा की जाती है। साल में 3-4-5 मेले होते हैं। पहला मेला आता है यहाँ शिवरात्रि का मेला, उसके बाद जैसे महीने बाद मत्स्या चौदियाँ नराते बैसाखी आ जाती है, चतर चौदियाँ, तो ये मेले होते हैं अच्छे से अच्छे भारी से भारी मीन मेले जो उसके। और उसके बाद जो है सावन का गर्मी आ जाती है तो थोड़ा गर्मियों में भी लोग चले रहते हैं, सावन का मेला आता है और बाकी चले रहते हैं। बाकी जहाँ पर 24 घंटे लंगर पानी है, हमारे जो यहाँ लोकल गाँव की कमेटी है वही ये देख रेख करती है, संगत की व्यवस्था, कोई अच्छा बुरा होना, कोई गिरना डिगना सब वो देखती है, ये काम चल रहा है। बाकी ये जो काम था ये पाकिस्तान का जो पानी था यहीं से बांध हुआ है, लखनपुर से छापराकंडी बिराज है वहाँ से। यहाँ पर मोदी सरकार ने 10 करोड़ रुपये दिया था इसको बचाने के लिए। मूल शंकर भगवान तो इस, जैसे आपने ये बताया कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि दूना युधिष्ठिर द्वारा यहाँ पर निर्माण, तो इस दूने का महत्व जैसे आपने बताया कि यहाँ पर अगर लक्कड़ लगाओ तो अपने आप जल जाती है, ऐसा किस तरह का महत्व? ये बात ऐसी है कि कुदरती भगवान की तरफ से ये हम भी नहीं जानते कि क्या बात है। इसमें आग कभी ख़त्म नहीं हुई। अभी आप सवेरे आना 7-8 बजे हम इसको बंद करते हैं, बंद करके 6 बजे आरती ख़त्म होती है तो इसमें लकड़ लगाएगी तो थोड़ी देर के बाद धुआं चलेगा तो अपने आप जल जाता है, कुदरती है। हाँ, कुदरती है ये। तो ये जो पीछे आप रसोई बता रहे हैं ये उस समय की है? ये उस समय द्रौपदी माता की रसोई थी। तो अभी जो हमारा काम चल रहा है तो जगह नहीं है, इसलिए हम थोड़ा चाय पानी बनाते हैं यहाँ,
बाकी कुछ नहीं। तो ये जितनी भी ये गुफा है ये पत्थर से ही पूरी बनी हुई? ये महाराज कुदरती पहाड़ है, ये पहाड़ के अंदर खोद के बनाई हुई है। ये तो बाहर से अभी जो काम हुआ प्रोजेक्ट का ना डैम का, उसके कारण से इसको बचाने के लिए ये काम किया है। बाहर अंदर कुछ नहीं किया, अंदर जो भी मूर्तियां हैं सब होने के तरह उसी समय की बनी हुई। तो ये कब से होगी ये पुरानी, कितना? अभी आप दिखाओ, हम नहीं कह सकते कब से है। अभी कोई 4,500-5,000 साल कहते हैं। दूसरी बात, पांडव तो आप सब जानते हैं, सबको पता है एक ही बार पृथ्वी पर आए। यदि पांडवों के हैं तो उसी टाइम की हैं। उन्होंने पांडवों ने पृथ्वी का भ्रमण किया, जहाँ भी ये उनका काम ही मंत्र बनाना था। वो जहाँ जाते हैं मंत्र बनाते थे, और कभी उनका जब ज्ञातवास में छुप के रहते थे ना, जब कोई पता लगता तो छुप के भाग जाते थे, छोड़ के चल जाते हैं अधूरा। ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह हैं। तो जो लोग दर्शन अभी तक नहीं कर पाए हैं या कहीं बैठे हुए हैं अपने घरों में, तो उनके लिए क्या कहेंगे, किस तरह के यहाँ पे है तो यहाँ पर आए वो माथा टेकें? हम उनको कहते हैं कि यहाँ आके देखें, आप जमाइश करें कि जो भी आप मनोकामना करोगे पूरी नहीं होगी तो फिर हमारे से बात करना। ऐसी बात नहीं है, यहाँ जो भी मनोकामना करते हैं सब पूरी होती है। यहाँ तकरीबन हिंदुस्तान के या छोड़ के बाहर के लोग भी आते हैं, सभी कोने के लोग आते हैं। 24 घंटे लंगर पानी है। अमरजेंसी में आप कहीं रात 12 बजे भी आ जाओ ना तो आपको रोटी पानी मिल जाएगा। पहले अच्छा भवन बना था नीचे, यहाँ 2 मंजिल भवन था, उसमें लंगर हाल था, सभी इधर रहने खाने की व्यवस्था थी, प्रसाद लेकर आ जाओ। और अभी जो तोड़ फोड़ हुई ना, इसके कारण से अमरजेंसी में ऊपर है, बाद में बन जाएगा। ये जो बिल्डिंग बन रही है हमारी कमेटी की तरफ से बन रही है, यहाँ ही लंगर पानी इसी में हमारा सिस्टम हो जाएगा। धन्यवाद। तो अभी जैसे पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर आप रात को 12 बजे भी अगर पहुँचते हो तो आपको सही यहाँ पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। और ये गुफा जो है ये पांडवों द्वारा यहाँ पर निर्माण जो है वो की गई है, और उसी समय से अभी तक ये यहाँ पर चल रही है, और यहाँ पर जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। बोलो मुक्तेश्वर धाम महाराज की जय। वीडियो जर्नलिस्ट राघव के साथ में अमित शर्मा, पठानकोट।